हाँ जी, सभी पशुपालक व किसान साथियों को राम राम, नमस्कार। आज मैं आपको दान के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा जो हर किसी किसान के बेनिफिट में है। किसान आमतौर पर दान लगाकर उसके बीच में जाने की कोशिश नहीं करता, कई बार बढ़िया चल जाती है जीरी, ग्रोथ अच्छी करती है, और कई बार रुक जाती है। किसी कारण से उसकी बढ़वार रुक जाती है और किसान कई बार उसके तय तक नहीं जाता, और बाहर से देख के या किसी पड़ोसी से सलाह लेके या फिर किसी दवाई वाले के पास जाके कहता है कि मेरी दान ग्रोथ नहीं कर रही, यानी देसी भाषा में चल नहीं रही। तो या तो वो चीज़ डालेगा जो किसी पड़ोसी ने गिरी है उसके, कि मेरी जीरी भी रुकी हुई थी और मैंने ये चीज़ डाली है इसके अंदर और मेरी तो ग्रोथ कर गई। तो वो जाके दुकानदार से उसका नाम लेके जो भी चीज़ उसने ग्रोथ प्रमोटर या कुछ भी घेरा है उसके नाम से मांगेगा, और या फिर दुकानदार को जाके कहेगा कि मेरा दान चल नहीं रहा है, मैंने लगाए को कई दिन हो गए परंतु ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा है। और दुकानदार अपना हिसाब से लगा के या कोई कीड़े मार या कोई ग्रोथ कराने वाली कोई भी दवाई उसको दे देगा, परंतु कई बार तो उसका समस्या हल हो जाती है, कई बार होती नहीं। कोई भी दवाई डालने के बाद 8-10 दिन उसको इंतज़ार करना पड़ेगा और खाद वगैरह उसको देने पड़ेंगे। 8-10 दिन अगर 3 बार कोई दवाई डालनी पड़ेगी तो 24 दिन तो वैसे चले गए उसके, 1 महीना चला गया उसका ग्रोथ करने का, और फिर किसी और की सलाह लेगा। तो ले सर, जबकि उसके समझ में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसका पौधा अंदर खेत के अंदर जाए और पौधे को उखाड़े, पौधे को उखाड़ के उसकी जड़ चेक करे कि उसको जड़ वाला कीड़ा तो नहीं है या कोई फंगीसाइड रोग तो नहीं है इसको। तो जैसे ये दिखाने लग रहे हैं हम, कई बार ये समस्या आ जाती है। ये बहुत बारीक एक कीड़ा है जिसको यानी सड़ाई भी बोलते हैं, देसी भाषा में इसको सड़ाई बोलते हैं, लाल रंग का कीड़ा है। वैसे तो वैज्ञानिक इसको मित्र कीट बताते हैं। कई बार ये इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, संख्या ज़्यादा होने के कारण फिर ये जड़ों को ब्लॉक कर लेता है और पौधे तक खुराक नहीं पहुँचने देता। जैसे देखो, बहुत महीन है, बहुत बारीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से निरीक्षण करेंगे जड़ों का, जड़ें भी थोड़ा लाली टाइप में हैं, आप इसको अच्छी तरह देखो, ये जड़ें भी लाल उसमें हैं, और ये जो कीड़ा है इसका, ये कई बार हल्की दवाई से मरता नहीं है, फिर हमें किसी ना किसी विज्ञान की सलाह लेनी पड़ेगी। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो ये कीड़ा है लाल, ये जड़ों को ब्लॉक कर लेता है और पौधे को ग्रोथ नहीं करने देता, और किसान यहाँ तक देखता नहीं है क्योंकि है तो परंपरागत धंधा खेती बाड़ी, ना तो किसी यूनिवर्सिटी के पास अब इतना टाइम है कि किसानों को जाके जागरूक करे, क्योंकि कोरोना का समय है, कोरोना के समय के अंदर इकट्ठ करना मुश्किल है, और किसान भी यूनिवर्सिटी तक पहुँच नहीं करता क्योंकि वो इस बात को उचित नहीं समझता। वो वैसे खेती करता है जैसे बाप दादे करते हैं। बहुत से फिर भी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए हैं, वो समाज में इस बात का प्रचार करते हैं कि अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ना चलने के ये कारण है, अगर पत्ते का रंग ऐसा है तो हमें ये खाद देनी चाहिए इसको, अगर जड़ के अंदर कोई भी कीट है पतंगा है तो उसकी दवाई देनी चाहिए, ना कि अगर उसके जड़ के अंदर कोई भी कीड़ा लगा हुआ है और हम उसको ग्रोथ प्रमोटर देंगे तो ग्रोथ कैसे करेगा। जो रोग है रोग की दवाई मिलनी चाहिए उसको, कई बार तो पौधा रोगी होता है और कीड़ा भी नहीं होता, अगर पौधा रोगी है तो रोग की दवाई देनी पड़ेगी, अगर कोई कीट पतंगा है या जड़ का कीड़ा है तो फिर कीड़े की देनी पड़ेगी। अगर पौधा रोगी हर कीड़े की दवाई दे रहे हैं पड़ोसी को देख के या दुकानदार को, वैसे मांग लेते हैं दुकानदार से, तो
पौधा कैसे ग्रोथ करेगा, तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा और उसके यील्ड भी जो ग्रोथ करने का समय था उसका निकल जाएगा, और फिर हम उसके अंदर अंधाधुंध खाद गिरेंगे, यूरिया वगैरह, और उसका रंग है बिल्कुल हरा हो जाएगा। हरा होने पर बीमारियां बिल्कुल और ऐसा। खेत को न्योता देंगी। चिट्टियां चढ़ा के जैसे देखे ऐसा बहुत होगा। बारीकी से देखना होता है, जैसे ये देख रहा है, ये हाँ यार, मेरा बेटा है हरविंदर फोन सिंह, दिखाओ। इस धान को लगाए हुए अभी 15 दिन हुए हैं, ये 14-15 तारीख का लगा हुआ है, आज 30 तारीख है, और बारिश पहले भी अच्छी पड़ी थी 15-16 को, और ये अब 2-3 दिन पहले भी बारिश अच्छी पड़ी है, तो बारिश का पानी भी एक अमृत है। ये देखो बहुत बारीक कीड़ा है, तो मैं किसान साथियों से ये अपील करूँगा कि आप या तो हर रोज़ खेत में चक्कर लगाएं, और नहीं तीसरे दिन तो ज़रूर लगाना है, चारों तरफ घूम के अगर कहीं पे किसी पौधे में या किसी पौधे की खासी दड़ी है, और देसी बात समझ को टाक्की बोलते हैं, तो अंदर जाके उसके अच्छी तरह से निरीक्षण करें, और उसके बाद ही किसी वैज्ञानिक की सलाह लें या किसी जो अच्छा दवाई विक्रेता है उसने उसके बारे में पूरी जानकारी है, लंबे समय से जो काम कर रहे हैं उनके किसी की राय लें। खेती बाड़ी भी पशुपालन के साथ का एक धंधा है, जैसे पशुपालन खेती बाड़ी के बगैर अधूरा है और खेती बाड़ी पशुपालन के बगैर अधूरी है। आज खेतों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है और हम अंधाधुंध खाद देते जा रहे हैं उसके अंदर, सही कह रहे हो रासायनिक भाई। रासायनिक खाद देने से बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम हर तीसरे साल भी उसके अंदर अपने गोबर गैस का या देसी हर से बना रूढ़ी लेना का खाद डालेंगे उसके अंदर, या केंचुआ खाद डालेंगे, अगर कोई साथी मेहनत करके बना लेता है, तो फसल के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं भी ये वीडियो नई बनाना स्टार्ट किया है मैंने, खेती तो कई सालों से कर रहे हैं पर वीडियो नई स्टार्ट की है मैंने, कुछ इसके अंदर गलतियां भी रह मैं तो सकती डाल रहा हैं पूरा, क्योंकि मैं मैं वैज्ञानिक तो डाल तो रहा हूँ नहीं, पूरा मैं तो एक किसान हूँ, गड्ढे से जो देख रहा हमने हूँ, देखे थोड़ा सा देख हैं देख रहा। तो वही आपको बताऊंगा, क्यों वैज्ञानिक की भाषा में हैंग हमारे कर को रहे इनके हो बारे में वीडियो। उतनी नॉलेज नहीं है। चलो हम सीखने की कोशिश करते हैं, हमारे गांव में तकरीबन दवाई वाले या एग्रीकल्चर वाले पशुपालन वाले कैंप लगाते रहते हैं, और कैंप में हर आदमी को जाना ही चाहिए। आमतौर पर अगर हम किसी पड़ोसी को कहेंगे कि आज वहाँ पे कैंप लग रहा है तो पहले तो हाँ हाँ करता रहेगा, और जब जाने का टाइम आएगा फिर कहेगा कि तू जाया तेरे से पूछ लूँगा। तो ये हम समय का सदुपयोग नहीं करते कि आज हमारे को वैज्ञानिक हमारे गांव में सिखाने के लिए आ रहा है, हमें वहाँ पे जाके हाजिरी लगा के कुछ सीख के आएंगे, बिल्कुल और ऐसा। अगर वहाँ पे नहीं जाएंगे, कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं जो फसल की चिट्टियां चढ़ा के यील्ड को बढ़ाते हैं, ऐसा और होगा। वहीं हम फिर मार खा जाएंगे, हमारे खेत हाँ की यील्ड कम रहेगी हाँ और यार, दवाइयों का खर्च भी बढ़ फोन दिखाओ। जाएगा, और कई बार तो अगर सही ढंग से बिल्कुल खरपतवार के क्या बारे में जानकारी नहीं दें हुआ, मिलेगी या नॉलेज नहीं होगी तो खरपतवार भी हो जाएगा नीचे गिर गया। और फसल अभी कमज़ोर रह जाएगी। तो हमें अपने पौधे का, अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा, पौधे को उखाड़ के जिले लेवल पर यूनिवर्सिटियां हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाएं, वहाँ पे वैज्ञानिक बैठे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। और मैंने चैनल नया बनाया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। मैं आपके लिए, मैं तो अपना ज़्यादा पशुओं पर फोकस है पर खेती बाड़ी भी अपनी तकरीबन बढ़िया है कई सालों से, क्योंकि हमारा गोबर गैस लगाया हुआ है उसका खाद डालते हैं इसके अंदर, तो जो दवाई हमने इसके अंदर डाली है, पिछले साल भी थोड़ी समस्या आ गई थी, वो दवाई की मैं थोड़ी फ़ोटो डाल रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अगर इसे मिलता जुलता साल्ट है वो इसमें डालना,
भाई फेंटरीन दवाई का नाम है 10%,